मुसलमान गाय नहीं काटते। ये बहुत बड़ा भ्रम है जो हम हिंदुस्तानियों के बीच में फैलाया अंग्रेजों ने, और ये भ्रम फैलाया था अंग्रेजों की रानी ने, जिसको हम दुर्भाग्य से विक्टोरिया कहते रहे हैं। उसने एक चिट्ठी लिखा था 1894 में, अंग्रेजों का एक अधिकारी हिंदुस्तान में था, उसका नाम था लैंसडाउन, गवर्नर था इस देश में, उसको एक चिट्ठी लिखा। विक्टोरिया ने चिट्ठी लिखा कि देखो, हम भारत में जितने कत्लखाने चलाते हैं उनमें सबसे ज्यादा गाय कटती है, ये भारत के हिंदुओं को पसंद नहीं है, क्योंकि ये उनकी अधिष्ठात्री है, माने हम उसको पूजनीय मानते हैं, मातृ समान मानते हैं, हिंदुओं को पसंद नहीं है, और वास्तव में मुसलमान भी नहीं पसंद करते गाय को मारना और उसको खाना। गाय तो हमारे लिए काटी जाती है, माने अंग्रेजों के लिए काटी जाती है। अब भारत में हिंदू और मुसलमान कभी एक हो गए और गाय बचाने में लग गए तो हमारी सरकार नहीं चलेगी भारत में। इसलिए तुम एक काम करो कि जितने कत्लखाने चल रहे हैं गाय काटने के लिए, उनमें मुसलमानों की भर्ती कर दो, और हिंदुओं को बताओ कि गाय देखो मुसलमान काटे। तो हिंदुओं की भर्ती नहीं, मुसलमानों की भर्ती कर दो, हिंदुओं को बताओ कि गाय मुसलमान काट रहे हैं, कट हमारे लिए रही है, काट रहे हैं मुसलमान, खाते नहीं है हम खा रहे हैं, काट रहे हैं ये। हिंदुओं को जब ये पता चल जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को लड़ मारेंगे, और ये लड़ने लगेंगे तो हमारी गद्दी सुरक्षित रहेगी और हम भारत पर 1000 वर्ष तक राज करेंगे। ये विक्टोरिया की चिट्ठी है लैंसडाउन को, 1894 में लिखी गई। इस चिट्ठी से पकड़ मेरे समझ में आ गया कि पॉलिटिक्स क्या है इस देश में। पॉलिटिक्स ये है कि गाय कटे अंग्रेजों के लिए और लड़ते रहे हिंदू मुसलमान, हम एक दूसरे को गाली देते रहे, एक दूसरे की टांग खिंचाई करते रहे और अंग्रेज मजा करते रहे। इस तरह से अंग्रेजों ने वो एक जो पॉलिसी है ना, बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, वो ये है। तो इस डिवाइड एंड रूल में हमको फंसाया, गाय को कटवाया, और एक दो नहीं करोड़ों गाय को कटवाया इस देश में। एक कत्लखाना जो कलकत्ता से शुरू हुआ, धीरे धीरे भारत के हर कैंट एरिया में फैल गया। 350 कैंट एरिया अंग्रेजों ने स्थापित किए, 350 कत्लखाने बनाए। गांधी जी इन्हीं की खिलाफत करते अंग्रेजों के जमाने में। गांधी जी को बार बार लगता था कि ये कत्लखाने बंद होने चाहिए। और गांधी जी के पहले एक और बहुत महान व्यक्ति हुए इस देश में, जिनको बहुत पीड़ा होती थी इन कत्लखानों के चलने से, उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने तो अपने जीते जी एक फौज तैयार कर दिया गोरक्षा के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन बना दिया जिसका नाम आर्य समाज, आज तक जीवित है, 125 वर्ष पुराना संगठन है, कांग्रेस से भी पुराना संगठन, कांग्रेस जो राजनीतिक दल है ना उससे पहले का ये आर्य समाज है। इसका एक ही काम था, गोरक्षा करना। और इस आर्य समाजी संगठन ने पूरे देश के नौजवानों को ऐसा चार्ज कर दिया था कि भारत के 7,32,000 गांवों में हर जगह गोरक्षा समिति बन गई। 1870 से यह शुरू हुआ और 1894 में आकर यह आंदोलन अपने सबसे उच्चतम शिखर पर था। और 94 में जब यह आंदोलन उच्चतम शिखर पर था तो भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सब मिलकर गोरक्षा में लगे हुए, और अंग्रेजों के सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया था कि एक भी गाय कटेगी तो अंग्रेजों की खैर नहीं। तो अंग्रेज घबरा गए थे। इसी घबराहट में रानी ने चिट्ठी लिखी थी 1894 में कि अगर इस आंदोलन को तोड़ना है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाना है, तो तुम ये काम करो कि सारे कत्लखानों में मुसलमानों की भर्ती करो और हिंदुओं को बताओ कि गाय ये काटे। और जब ये खबर अंग्रेजों ने फैलाई, उसके बाद इस देश में हिंदू मुसलमानों के दंगे शुरू हो गए। मैं आपको विनम्रतापूर्वक बताना चाहता हूं कि 1894 के पहले इस देश में एक भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ। पहला हिंदू मुस्लिम दंगा 1894 दिसंबर में हुआ, रानी की इस चिट्ठी के बाद, और उसके बाद लाइन लग गई दंगों की। फिर क्या हुआ, आजादी का प्रश्न पीछे आ गया, गोरक्षा का प्रश्न पीछे आ गया, हिंदू मुसलमानों का सांप्रदायिकता का प्रश्न सबसे आगे आ गया, और अंग्रेजों ने लगभग 60-70 साल तक इसी आग को जलाकर रखा और इसमें समय समय पर घी डालते रहे। कभी भी ये दोनों एक ना हो जाएं, इसके लिए पूरी ताकत लगाकर अपने एजेंटों को उन्होंने भारत की बहुत सारी संस्थाओं में घुसा के बिठा दिया कि ये समाज एक ना हो जाए। और इस तरह से बदस्तूर गाय कटती रही और हत्या होते होते करोड़ों की संख्या में पहुंच गई। जब अंग्रेज गए 15 अगस्त 1947 को, तो भारत के महात्मा गांधी जैसे कुछ क्रांतिवीर जो जीवित थे, उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि हाँ, और कहा कि अब अंग्रेज गए हैं, जल्दी से गोहत्या बंद होनी चाहिए। तो वो गोहत्या बंद होने के लिए भारत की संसद में प्रस्ताव आया,
और उस प्रस्ताव को लाने वाले एक बहुत अच्छे सांसद थे, उनका नाम था महावीर त्यागी। वो कई बार संसद सभ्य बने थे, माने खासदार बने थे। सोनीपत नाम का एक क्षेत्र है हरियाणा में, वहां से वो जीत कर आते थे और किसी राजकीय पक्ष के टिकट पर नहीं, अकेले जीत कर आते। महावीर त्यागी जी के बारे में कहा जाता है कि जब वो संसद में खड़े होकर भाषण दिया करते थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सारे काम छोड़कर उनका भाषण सुना करते, क्योंकि वो सरकार की इतनी खिंचाई करते थे तो उसका जवाब कैसे देना है संसद में, ये नेहरू जी के लिए मुश्किल हो जाता। तो नेहरू जी सब काम छोड़कर महावीर त्यागी जी का भाषण सुनते। महावीर त्यागी जी ने सबसे पहले याद दिलाया कि देखो अंग्रेज अब चले गए, हमारी सरकार आ गई, अब गोहत्या बंद करने के लिए कानून बनाओ। तो संसद में प्रस्ताव आया, उस पर बहस हुई। महावीर त्यागी जी ने बहुत बड़ा काम किया कि अंग्रेजों की ये जो राजनीति थी हिंदू मुसलमानों को बांटने की गाय के प्रश्न पर, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पार्लियामेंट में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की कि देखो असलियत ये है, कोई मुसलमान गाय का मांस ज्यादा नहीं खाता और कोई मुसलमान गाय को कटवाना भी पसंद नहीं करता। ये तो अंग्रेजों की चाल है हमको आपस में लड़ाने की और बर्बाद करने की। तो ये चाल को समझकर मुस्लिम खासदारों ने भी समर्थन किया कि हाँ गोरक्षा होनी चाहिए। विधेयक आने का समय आया। विधेयक के समय पर आप जानते हैं संसद का नियम यह है कि बहस जब पूरी हो जाती है तो वोट लिया जाता है कौन किसके समर्थन में है। तो इस पर वोट का समय आया। वोट के समय में एक दिन पहले यह तय हो गया था कि भारत की संसद के मैक्सिमम MPs सबसे ज्यादा खासदार गोरक्षा के समर्थन में है और मुश्किल से कुछ MPs जिनकी संख्या 10 भी नहीं थी वो गोरक्षा के विरोध में है। तो 10 एक तरफ है बाकी एक तरफ है, तो इसका माने प्रस्ताव पारित होना है। अगले दिन जिस दिन ये वोट के लिए आया तो पंडित नेहरू ने कहा कि मुझे कुछ कहना वोट से पहले। क्या कहना है जी? पूरे संसद की निगाह है नेहरू जी की तरफ। नेहरू जी ने कहा कि अगर गोरक्षा का प्रस्ताव पारित हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ी कि मेरे दोस्त संदीप ने नेहरू जी का कोट किया। कई बार हमें धोखा हो जाता है, चेहरा कुछ होता है असलियत कुछ होती है। हमारे देश में अभी थोड़े दिन पहले से एक बहुत बड़ा मामला आया है सामने, बहुत गंभीर मामला है वो। अगर राजनीतिक लोग उसको थोड़ा बाजू में रख दें तो भी देश के लिए बहुत गंभीर मामला। गंभीर मामला ये है कि रूस की खुफिया एजेंसी KGB के एक बहुत बड़े ऑफिसर ने एक दस्तावेज आधारित किताब लिखी है जिसमें उसने नाम लेके कोट किया है कि भारत के कौन कौन प्रधानमंत्री कौन कौन मंत्री रूस से पैसा लेते रहे और रूस के समर्थन में इस देश में कानून बनाते रहे। उस किताब में मित्रोखिन नाम का वो ऑफिसर है, उसने लिखा है कि भारत में प्रधानमंत्रियों का मुखौटा कुछ होता है कार्य कुछ होता है। ये बात आपको समझ में आए इसलिए मैंने सुना कि नेहरू जी आजादी के पहले भाषण दे रहे हैं कि कत्लखानों के सामने से गुजरता हूं तो मुझे घिन आती है, एक मिनट में खड़ा नहीं रह सकता, चील कौए मडराते हैं, मेरी आत्मा मुझे कचोटती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद जब गोरक्षा का प्रस्ताव आता है तो वही नेहरू जी कहते हैं कि प्रस्ताव पारित हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्यों? कारण क्या है? इस पे खोज होनी चाहिए कि आजादी के पहले एक कहा और आजादी मिलते प्रधानमंत्री बनते इस्तीफा देने लगे। अब उस जमाने में होता क्या था, नेहरू जी की धमकी के इस्तीफा दे दूंगा तो पूरी पार्लियामेंट हिल गई महावीर त्यागी को छोड़कर, क्योंकि उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं था क्योंकि वो कांग्रेस के टिकट पर कभी चुन के नहीं आते थे। तो जो कांग्रेस के टिकट पर चुन के आने वाले खासदार थे उनके लिए प्रश्न खड़ा हो गया, अब क्या होगा, नेहरू जी इस्तीफा दे देंगे, सरकार चली जाएगी, पता नहीं दोबारा जीत के आएंगे कि नहीं आएंगे, मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये होता है ना, आज भी होती है ना तकलीफ। अभी थोड़े दिन पहले NDA सरकार चलती थी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा इस्तीफा दे दूंगा, देखा आपने कैसे तमाशा हुआ। एक दिन ऐसा हुआ श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी, आपने देखा कैसा तमाशा हुआ दिल्ली में, ऐसे ऐसे खासदार बंदूक तमंचा, मैं अभी आत्महत्या कर लूंगा क्योंकि सोनिया गांधी हमारी वो प्रधानमंत्री नहीं बन रही है। थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, वो वहां चले गए। किसी ने आत्महत्या किया क्या? सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी फिर भी किसी ने आत्महत्या किया क्या? राजनीति में चेहरे कुछ होते हैं मुखौटे कुछ होते हैं। इतने सारे उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं एक ही बात समझाने के लिए, मुखौटे कुछ होते हैं चेहरे कुछ होते हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोई बात जो कह दी है उन्होंने पब्लिकली उस पर वो टिकेंगे,
क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति का यही सबसे बड़ा दुर्गुण है, एक दिन बोलना अरे मुझे तो गलत कोट किया है अखबार वालों ने, अखबार वाले सुना देंगे देखो तुमने बोला है, हाँ हाँ बोला है तो तुमने गलत अर्थ निकाल लिया इसका। अब कितने अर्थ होते हैं किसी शब्द के, ये पॉलिटिशियन से आप पूछो। ये जो बीमारी है ना भारत में, नेहरू जी के समय से है, आज की नहीं है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, और चूंकि ये बीमारी उस जमाने से है इसलिए गोरक्षा का कानून आज तक बना नहीं इस देश में। जब जब संसद में कोशिश हुई कुछ ना कुछ अड़ंगा इसी तरह का। एक और उदाहरण देता हूं, 1966 में आप में से कुछ लोग होंगे, मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था जिस समय की यह घटना, भारत के लाखों संतों ने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला दिल्ली में, गाय रक्षा होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए। गांधी जी तो तब थे नहीं, विनोबा जी थे, गांधी जी के शिष्य, उनका आशीर्वाद लेके बहुत बड़े बड़े साधु संत इकट्ठे हुए, स्वामी करपात्री जी महाराज जो शंकराचार्य के स्थिति वाले संत हैं, वो उन्होंने लीडरशिप लिया, वो रक्षा होनी ही चाहिए। लाखों साधु संत इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हम संसद को घेर लेंगे अगर सरकार गोरक्षा का कानून पारित नहीं करती। सौभाग्य या दुर्भाग्य जो भी कहिए, स्वामी करपात्री जी महाराज के थोड़े दिन पहले के आशीर्वाद से श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई थी। तो स्वामी करपात्री जी को लगता था कि इसको तो आशीर्वाद मैंने दिया है, अब ये कैसे मना करेगी मेरे काम को। स्वामी जी को मालूम नहीं था चेहरे कुछ होते हैं मुखौटे कुछ होते हैं। अच्छा, विनोबा जी ने भी आशीर्वाद दिया था, आपको मालूम है श्रीमती इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो उनकी पॉलिटिकल पोजीशन बहुत कमजोर थी, उनके सामने जो टक्कर में थे ना वो बहुत पावरफुल लीडर थे, निजलिंगप्पा, बहुत पावरफुल आदमी, पूरा दक्षिण भारत उनके समर्थन में खड़ा था और तय था कि ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। निजलिंगप्पा को अड़ंगी लगाकर श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, तो बहुत सारे संतों से आशीर्वाद लिया था, तो करपात्री जी ने भी दे दिया, विनोबा जी ने भी दे दिया। अब प्रधानमंत्री बनते ही याद दिलाया विनोबा जी ने, वो काम करो ना मेरा, वो हत्या बंद करने के लिए कानून लाओ। तो कहा बाबा अभी थोड़े दिन संभालने तो दो। तो बाबा ने कहा कितना दिन लगेगा संभालने में। तो दिन बीतते गए और करपात्री जी महाराज का धैर्य चुक गया, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाल दिया, सरकार को घेरना है, संसद को कॉर्डन कर देना है, कोई अंदर जाएगा नहीं कोई बाहर आएगा नहीं जब तक गोहत्या बंद नहीं होती। आप जानते हैं क्या हुआ, जिन करपात्री जी महाराज के आशीर्वाद से श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री बनी थी उन्हीं के ऊपर श्रीमती गांधी ने गोली चलवाई, और एक नहीं सैकड़ों साधु मर गए, लेकिन गो हत्या नहीं रुकी, वो वैसे ही चली। उसके बाद स्वामी करपात्री जी ने, उनके शिष्य बताते हैं, मैंने कभी उनसे सीधे बात नहीं की, स्वामी करपात्री जी ने श्राप दे दिया, और वो ये कहते हैं कि उसी श्राप का दुष्परिणाम है कि जिस तरह से श्रीमती गांधी ने गोलियां चलवा कर मरवाया था गोरक्षा भक्तों को, उसी तरह से श्रीमती गांधी मारी गई। और ये अजीब संयोग है, मैंने इस पे थोड़ा काम किया तो मुझे पता चला श्रीमती गांधी ने जिस दिन ये गोली चलवाई थी उस दिन गोपा अष्टमी थी। भारत में गाय के पूजन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है गोपाष्टमी, दीपावली के कुछ दिन बाद आता है, और श्रीमती गांधी को जिस दिन गोली मारी गई वो दिन भी गोपाष्टमी थी। ये सब हुआ लेकिन गो हत्या नहीं रुकी। विनोबा भावे जिन्होंने आशीर्वाद दिया था श्रीमती गांधी को, वो जीवन के अंतिम दिनों में डिप्रेशन में चले गए, इतने डिप्रेशन में चले गए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, खाना पीना छोड़ दिया, जैन संतों की भाषा में कहूं तो संथारा ले लिया, और कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में कहूं तो आत्महत्या कर, इतने डिप्रेशन में गए विनोबा जी। और विनोबा जी बार बार एक प्रश्न पूछते थे कि मैं कोई बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहा हूं, एक छोटी सी मांग है कि गाय का कत्ल बंद करा दो, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, संसद के सब सदस्य मानते हैं, मेजोरिटी संसद इसके साथ में है। और उन्होंने कहा कि गाय का कत्ल बंद हो जाए तो ये देवनार कत्ल खाना बंद हो जाए जो मुंबई में चलता है, जिसमें 26,000 जानवर आज रोज कट रहे हैं, उस समय 11,000 कटते थे। छोटा सा प्रश्न था, नहीं हुआ, और वो वहीं छूट गया। उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले जब एनडीए सरकार आई
तो बड़ी मुश्किल से एक बिल तैयार करके संसद में पेश किया गया कि गाय की हत्या तुरंत रुकनी चाहिए, कानून तुरंत बनना चाहिए। सवेरे बिल पेश किया गया, शाम को वापस ले लिया। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सवेरे विधेयक पेश किया सरकार की तरफ से, शाम को वापस ले लिया, ये कहते हुए कि इस पर बाद में बहस हो। मैं आपको ये सुनाकर क्या कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान में गाय का कत्ल बंद हो जाए ये हमारी सद इच्छा है, लेकिन गाय का कत्ल चलता रहे उसके लिए कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र तो समझना जरूरी है। हमारी तो सद इच्छा है कि गाय का कत्ल नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है इस देश में जो गाय के कत्ल को लगातार चालू रखना चाहता है। जब भी संसद में इस तरह की बहस होती है कुछ ना कुछ इस तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। एक दिन तो मैं खुद संसद की दर्शक दीर्घा में था, उस दिन बहस हो रही थी इसी गोरक्षा के प्रश्न पर। मैं गया था कि आज देखें सांसद कौन किस समर्थन में है, कौन किस पक्ष में। सारे सांसद एक बाजू में स्वर से बोल रहे हैं कि गोरक्षा होनी चाहिए। मुस्लिम सांसद जीएम बनातवाला ने कहा कि अगर बिल पास होता है तो पहला वोट मेरा गोरक्षा के समर्थन। उनके साथ दूसरे मुस्लिम सांसद खड़े हो गए, हमारी आपत्ति नहीं है, आप कानून बनाइए। अभी एक महिला खड़ी हो गई, उसका नाम है सुश्री ममता बनर्जी। उसने कहा गाय का मांस खाना मेरा मौलिक अधिकार है, उसका क्या होगा। गाय का मांस खाना मेरा मौलिक अधिकार है, उसका क्या होगा। और ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन को कोट करके बोलना शुरू किया कि कोई कसाई गाय का कत्ल करता है ये उसका मौलिक अधिकार है, उसका क्या होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। तो मामला कहां बिल्कुल होते होते फिर फिसल। इसी तरह से एक बार और हुआ, हमारी संसद में सब तय हो गया कि गोरक्षा का बिल पास ही हो जाना चाहिए, सब हो जाना चाहिए। एक महामहिम भारत देश में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़े हुए एक व्यक्ति जीजी सोयल खड़े हो गए कि मैं गाय का मांस खाता हूं मेरा क्या होगा। तो मैंने उनको एक खत लिखा था जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। मैंने कहा आप गाय का मांस खाते रहिए अपने घर में काट के, ये कत्ल खाने तो बंद होने दीजिए। आपको गाय का मांस खाना है आप अपने घर में कत्ल करिए, काटिए उसे, खाइए। आप में हिम्मत है तो अपने घर में गाय को काटिए, खाइए। आपकी बीवी बच्चे भी आपको देखें उसको काटते हुए खाते हुए, पड़ोसी भी देखें आपको काटते हुए काटते हुए, और अगली बार आप राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़े तो सबको पता तो चले कि ऐसा व्यक्ति इस देश में राष्ट्रपति बनना चाहता है। जवाब नहीं दिया उसने, क्योंकि इस तर्क में क्या बुराई है, आपको गाय का मांस खाना है ठीक है खाइए ना, घर में काटिए खाइए, ये कत्ल खाने क्यों चाहिए आपको। ये तो आपके मांस की सप्लाई नहीं करते, ये तो एक्सपोर्ट करते हैं सबका सब, आप खाना है तो घर में काट के खाइए। उसके बाद बंद हो जाती है सारी बहस। पिछले आजादी के 58-59 सालों में संसद में चार बार गंभीरता से गोरक्षा पर बहस हुई है, प्रस्ताव पारित होने तक आया है, वोट करने तक नौबत आई है, लेकिन किसी न किसी कारण से वो अटकता गया है। कभी पंडित नेहरू के इस्तीफा देने की धमकी के कारण, कभी हमारे देश में सुश्री ममता बनर्जी जैसे खासदारों के ये कहने के कारण कि मैं गाय का मांस खाती हूं मेरे मौलिक अधिकार का क्या होगा, कभी जीजी सोयल के कारण, और कभी सवेरे विधेयक पेश किया और शाम को बहस करेंगे दोबारा, ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बयान के कारण हर बार ये हुआ है। मैंने इसको समझने की कोशिश की है कि आखिर गाय की रक्षा में ऐसा कौन सा प्रश्न है, या जानवरों की रक्षा में ऐसा कौन सा प्रश्न है जो भारत की संसद इसको होने नहीं देना चाहती, या भारत की संसद में ऐसे कुछ लोग हैं मित्रों किनके शब्दों में अगर कहें, जिनके चेहरे कुछ हैं मुखौटे कुछ हैं। तो हम ढूंढना शुरू करें हमारे नजदीक में ऐसे कितने पॉलिटिशियंस हैं, खासदार हैं, आमदार हैं, जिनके चेहरे कुछ हैं मुखौटे कुछ हैं। ढूंढे हम, कम से कम अपने बीच में खोजना तो शुरू करें, ताकि ये गंभीर प्रश्न आज नहीं तो कल हल हो सके, क्योंकि हल तो करना ही पड़ेगा इस प्रश्न को, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों। इस प्रश्न को बहुत दिनों तक टाल के नहीं रखा जा सकता, इसको ऐसे ही हल करना पड़ेगा जैसे कभी हमने कई गंभीर प्रश्न हल किए हैं। भारत पाकिस्तान के बंटवारे का प्रश्न था, बार बार टाल नहीं सकते थे तो हल किया, थोड़ा दर्द हुआ लेकिन हल हुआ, एक लाइन खींची गई कि वो पाकिस्तान है ये भारत है। चीन के साथ हमारा गंभीर प्रश्न हुआ सीमा विवाद पर, बहुत दिनों तक टाल नहीं सकते थे तो हमने फैसला किया, ये भी प्रश्न बहुत गंभीर है क्योंकि भारत के करोड़ों लोगों की मान्यताओं से, आस्थाओं से जुड़ा हुआ है,
और हमारे संपूर्ण भारत के जीवन से जुड़ा हुआ। हम भारतवासी गांधी जी के शब्दों में अगर कहें कि हम सनातनी हिंदू हैं, गांधी जी जब ये ताल ठोक के कहते हैं कि मैं तो सनातनी हिंदू हूं, क्यों हूं, क्योंकि मैं पूर्व जन्म में मानता हूं। जरा इसको खोले, इसमें है क्या। दुनिया में भारतीयता को छोड़कर ऐसी कोई दूसरी सभ्यता नहीं है जो पुनर्जन्म में मानती है। अभी आज की दुनिया में चार बड़ी सभ्यताएं तो मौजूद हैं कम से कम, और इतिहास में बहुत सारी सभ्यताएं आकर चली गई हैं। फिलहाल में चार मौजूद हैं, एक है इस्लामिक सभ्यता, एक है ईसाइयत वाली सभ्यता, एक है जुडाइज्म वाली सभ्यता, यहूदीज्म वाली, और एक है हमारी भारतीय सभ्यता। चार तो पक्की है ही। फिर भारतीयता में बहुत सारी उप सभ्यताएं हैं, एक जैनिज्म है, एक बुद्धिज्म है, और बहुत सारे हैं। ऐसे ही ईसाइयत में बहुत सारी उप सभ्यताएं हैं, ऐसे ही इस्लाम में बहुत सारी उप सभ्यताएं हैं, ऐसे ही जुडाइज्म में है। भारत की सभ्यता को छोड़कर इस्लाम, ईसाइयत और यहूदी तीनों सभ्यताओं में पुनर्जन्म नहीं माना जाता। वो मानते हैं कि जन्म एक बार होता है, बार बार नहीं होता। इसलिए उस सभ्यता में जो भी कुछ करना है वो एक ही जन्म में करना है, क्योंकि आपको दोबारा जन्म नहीं मिलेगा। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, दोस्त हैं, अमेरिका में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, पहले मेरे साथ पढ़ाई करते थे लेकिन भाग के चले गए अमेरिका यूरोप, और वो कई बार मुझे कुतर्क करते रहते हैं। वो कहते हैं यार देखो हमारा अमेरिका तो बहुत अच्छा है। अब वो हमारा अमेरिका बोलते हैं, हाँ लॉयल्टी इतनी चेंज हो गई है कि हमारा अमेरिका बहुत अच्छा है। जन्म भारत में लिया, हवा यहाँ की खाई, पानी यहाँ का पिया, मिट्टी में यहाँ खेले, भोजन यहाँ का किया, यहाँ के लोगों के खून पसीने की कमाई के टैक्स के पैसे पर इंजीनियरिंग किया, भाग गए अमेरिका, काम वहां कर रहे हैं, भारत को कुछ नहीं दे रहे। कभी कभी एहसान करते हैं, यहाँ आ जाते हैं तो गालियां देके चले जाते हैं, भारत में बहुत गंदगी है, सड़क पे कुत्ते घूमते रहते हैं, गाय घूमती रहती है, भैंस घूमती रहती है, और घर में छिपकली आ जाती है, मच्छर आ जाते हैं, ये कोई देश है रहने लायक? चलो हमारा अमेरिका बहुत अच्छा है। और उनके माता पिता बेचारे पूरे साल इंतजार करते हमारा बेटा आएगा आएगा, बेटा वहां से हाय हेलो कर देते बस, और माता जी मरने को तैयार है फिर भी कहता क्या करूं, प्लेन की टिकट नहीं मिल रही है, अभी अंतिम संस्कार कर देना किसी भी तरह, तो वहां प्लेन की टिकट माता जी से बड़ी हो जाती। तो ऐसे कुछ लोग जो भारत में पैदा हुए अमरीका चले गए, वो कभी कभी मुझे कुतर्क करते, इस प्रश्न पे भी कुतर्क करते। जब मैं उनसे कहता हूं कि देखो भैया ये अमेरिका की जो सभ्यता है वो ईसाइयत से संचालित है, यूरोप की सभ्यता वो भी इसी से संचालित है, थोड़ा बहुत इलाके में जुडाइज्म है, और इस्लाम की तो अपनी सभ्यता है ही, इनमें से किसी में भी पुनर्जन्म नहीं है, तो वो मुझे तर्क पता है क्या देते हैं? वो कहते हैं देखो अमेरिका में हर चीज फास्ट हो जाती है, तुम्हारे देश में कोई भी चीज नहीं होती, 10 साल में नहीं होती, 15 साल में नहीं होती, हमारे अमेरिका में तो एक फोन पे सब होता है, और हमारे यहाँ हर चीज फास्ट है, गाड़ी चलती है तो 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तुम्हारे यहाँ कल्पना होती है क्या? तो वो कहता जीवन बहुत अच्छा है, तेज है, वगैरह वगैरह। तब मैं उनको धीमे से कहता हूं तुम्हें मालूम है वहां का जीवन क्यों तेज है? क्योंकि वहां पुनर्जन्म नहीं होता। आप इसको गंभीरता से सोचिए, जिस जीवन में पुनर्जन्म नहीं है वहां क्या होगा? जो करना है इसी जन्म में करना है तो जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी कि नहीं? दूसरा जन्म तो है नहीं, तो जो करेंगे जल्दी करेंगे, तो जल्दी करने के लिए जो टेक्नोलॉजी बनेगी उसी में वो रहेंगे। देखिए टेक्नोलॉजी जो बनती है किसी भी देश में वो मान्यता के हिसाब से बनती है। एक पहिया है, मान लीजिए मून तो वो है, बाकी उस पहिए को आप हवाई जहाज में लगा लीजिए, चाहे मोटर कार में लगा लीजिए, चाहे स्कूटर में लगा लीजिए, या बैलगाड़ी में लगा लीजिए, है तो पहिया। अब वहां क्या है, जीवन एक ही बार है, बार बार मिलता नहीं है, जो करना है एक ही बार में करना है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, जर्मन है, वो थोड़े दिन पहले आया था भारत, दिल्ली में हम लोग बैठे बात कर रहे थे तो बड़ी चिंता करने लगा, यार भारत देश ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया। तो मैंने कहा तुमको क्या परेशानी, बना लिया तुमको क्या परेशानी? अरे यार पाकिस्तान ने भी बना लिया। मैंने कहा क्या तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, जर्मनी ने भी तो बना लिया है, फ्रांस ने भी तो बना रखा है, ब्रिटेन ने भी तो बना रखा है। उसने कहा प्रॉब्लम यही है कि इनमें से किसी ने भी अगर गिरा दिया तो मैं तो मरने वाला हूं। तो मैंने कहा सो व्हाट, मरने वाले हो तो फिर पैदा हो जाना। उसने कहा मैं नहीं मानता ना पुनर्जन्म होता है, तुम मानते हो, इसलिए तुम तो दोबारा पैदा हो जाओगे, मैं तो नहीं आने वाला, मुझे तो ये दुनिया देखने को फिर कभी नहीं मिलने वाली, इसलिए मेरी चिंता है ये एटम बम। ये जो जल्दबाजी के लोग होते हैं ना उनकी सबसे बड़ी चिंता है कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, क्योंकि शांति से उन्हें इसी जन्म में सब कुछ भोगना है, सारा भोग इसी जीवन में करना है,
चाहे एड्स हो जाए, चाहे डायबिटीज हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, भोग नहीं छोड़ना है क्योंकि अगला जन्म नहीं है। ये तो है यूरोप और अमेरिका। अब भारत में देखो, एक बार मैं एक गांव में गया, ये सच्ची घटना सुनाता हूं आपको। बस्तर नाम का एक जिला है छत्तीसगढ़ में, वहां मैं एक गांव में गया तो वहां के सरपंच को मैंने कहा कि मेरा नाम राजीव दीक्षित है, मैं आपके गांव के किसानों से बात करना चाहता हूं। कहने लगे क्या बात करना चाहते हैं? मैंने कहा भारत देश है, बहुत सारी तकलीफें हैं, इन विषयों पर बात करना चाहते हैं। तो उनका उससे क्या होगा? तो मैंने कहा अगर आपको ये समझ में आया तो तकलीफें दूर करने के लिए आप प्रयास करेंगे, मैं भी प्रयास करूंगा। तो उसने कहा तकलीफें दूर होने से क्या होगा? तो मैंने कहा आपको थोड़ा सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। तो उसने कहा वो तो अभी भी है मेरे पास, सुख और शांति दोनों, आप क्यों परेशान? मैं तो अभी भी सुख और शांति से ही हूं, परेशान तो आप हैं जो हजार किलोमीटर यहां चल के आ गए मेरे गांव में, मुझे तो कोई परेशानी नहीं। ये है भारतीय। फिर मैंने पूछा आप सच में सुख और शांति में? उसने कहा हां। मैंने पूछा ये जो इतनी समस्याएं हैं, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, इनका क्या? तो उसने कहा अगले जन्म में हल करूंगा, जरूरी है कि सब इसी जन्म में करूं। मेरी एक आजी थी, वो अभी स्वर्गवासी हो गई, वो मुझे रोज यही कहती तू इतना भाग भाग क्यों करता है, आज इस गांव में कल उस गांव में। तो मैंने कहा जल्दी भारत की समस्या हल होनी चाहिए। तो उसने कहा इसी जन्म में, अगले जन्म में हो जाएगी, क्यों चिंता करता है? ये जो ब्रेन है ना, ये जो माइंड सेट है, ये पुनर्जन्म में से निकलता है। माने पुनर्जन्म में रहने वाले लोग और मानने वाले लोगों को किसी चीज की जल्दी नहीं है, इसलिए गो हत्या भी अगले जन्म में रुक जाएगी, यही सोचकर हमारे खासदार वहां बैठे, उनको जल्दी नहीं है, अगले जन्म में हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? ये तो हमारे मन की स्थिति तो ये है। तो जहां सभ्यता का प्रश्न आता है ना, वहां पर सवाल इस तरह से होते हैं शुरू। तो भारत की सभ्यता दूसरे देशों की सभ्यता से एक मामले में जो अलग है वो मूल ये है कि हम पुनर्जन्म मानते हैं, वो नहीं मानते। अब जरा कल्पना करिए कि जैसे ही आप पुनर्जन्म मानना शुरू करते हैं तो आपकी दुनिया बिल्कुल बदल जाती है। क्या होती है पुनर्जन्म, क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, आत्मा कहां प्रवेश करती है, शरीर कैसे होता है, ये सारी थ्योरीज आपके सामने खुलती है। तो उन थ्योरीज को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास अपने लॉजिक है। उनमें से एक लॉजिक है कि देखो भाई पुनर्जन्म होता है, कर्म के हिसाब से जन्म मिलता है। तो हमने कर्म की थ्योरी को उसमें लगा दिया, जिसको सभी मानते हैं इस देश में, चाहे वो जैन हो या सनातनी हिंदू हो, कर्म के सिद्धांत को सब मानते हैं। कर्म अच्छा करोगे तो अगला जन्म अच्छा मिलेगा, खराब किया तो खराब मिलेगा। अब अच्छा और खराब क्या, अच्छा कर्म किया तो हो सकता है मनुष्य जन्म मिले, खराब कर्म किया तो चींटी बन गए, मक्खी बन गए, मच्छर बन गए, छिपकली बन गए, सांप बन गए, मेंढक बन गए। अब ये तो थ्योरी है कि हम छिपकली हो सकते हैं, चींटी हो सकते हैं, सांप हो सकते हैं, मेंढक हो सकते हैं, मक्खी हो सकते हैं, मच्छर कुछ भी हो सकते हैं, 84 लाख किस्म के जीव जंतु हैं, उनमें से कोई भी जन्म हमें मिल सकता है अगर कर्म अच्छे नहीं किए तो। अब इसके आगे हम गए, हमने क्या किया कि भले हम अगले जन्म में कुछ भी बने, इस जन्म में हम मनुष्य हैं, लेकिन अगले जन्म में अगर हम कुछ और बन गए और हमने इस मनुष्य जन्म में रहते हुए कुछ ऐसे जीव जंतुओं को मार डाला, क्या पता हम भी अगले जन्म में वही बन गए और हमको किसी ने मार डाला, फिर कोई और बन गया तो उसने किसी को मार डाला, तो ये मारामारी कब तक चलेगी? इसलिए अहिंसा का दर्शन हमने ले लिया, कोई किसी को ना मारे। अब कोई किसी को ना मारे, ये अहिंसा का दर्शन निकला है पुनर्जन्म की फिलॉसफी में से। फिर इसमें हमारे देश में बड़े ज्ञानी लोग आ गए, जैसे एक बहुत बड़े महान तपस्वी ज्ञानी आ गए जिनका नाम था महावीर स्वामी, तीर्थांकर हो गए। उन्होंने हमको ये ज्ञान दे दिया, उनको ज्ञान तो अद्भुत हो गया, केवल ज्ञान जिसकी कल्पना है, उनका केवल ज्ञान ये है कि ये जो 84 लाख किस्म के जीव जंतु है किसकी क्या भूमिका है ये उनको मालूम है, और 14 वर्ष की उनकी जो तपस्या है वो इसी बात के लिए है कि ये सृष्टि है, प्रकृति है, इसमें कोई जीव है वो कहां क्या कर रहा है, दूसरा है उसको सपोर्ट कर रहा है, तीसरा है उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये सब क्या व्यवस्था है, ये उनको ज्ञान हुआ तो वो केवल ज्ञान है। तो वो बोलकर चले गए कि देखो भाई ये जीव प्रकृति बहुत व्यवस्थित तरीके से चल रही है, इसको डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि इनके जिंदा रहने से तुम जिंदा। तो उन्होंने कहा छोटे भी जीव को हानि नहीं पहुंचेगी, चाहे वो देखा हुआ है या नहीं देखा हुआ। कई जीव ऐसे होते हैं ना जो आंख से दिखते हैं, कई नहीं दिखते हैं, तो जो नहीं दिखते हैं उनको भी हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, जो दिख रहे हैं उनको तो पहुंचना ही नहीं चाहिए। और फिर उन्होंने जीवों की श्रेणियां बना दिया, एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय जीव है, तीन इंद्रिय जीव है, पंचेंद्रिय हम आते हैं, ऐसे ऐसे बना दिए। और उसके लिए उन्होंने पूरी फिलॉसफी बना दिया कि इसको मारोगे तो ये पाप है, इसको मारोगे तो ये पाप है, वगैरह वगैरह। निकला सब पुनर्जन्म में से। तो
तो हम चूंकि पुनर्जन्म को मानते हैं, पुनर्जन्म में 84 लाख योनियां हैं, तरह तरह के जीव जंतु हैं, हमारा जन्म किसी भी योनि में हो जाए, हमको भी कोई ऐसे ही मारे जैसे हमने किसी को मारा, तो बैलेंस टूटेगा। तो इससे हम अहिंसा की तरफ बढ़ते चले गए और डीप और डीप और डीपर होते चले गए। अहिंसा का एक स्थूल स्वरूप और अहिंसा का एक सूक्ष्म स्वरूप दोनों इस देश में विकसित होता चला। इसलिए हमारे दिल में बहुत ज्यादा चोट लगती है जब गाय हत्या की बात होती है, पशु हत्या की बात होती है, जीव हत्या की बात होती है। हम विचलित हो जाते हैं क्योंकि हजारों साल की मान्यता से हमने ये ग्रहण किया है, हमारा विचलन इसके लिए होता है। और इसी दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो मार के खा जाते हैं, उनको कोई विचलन नहीं है क्योंकि उनके यहां पुनर्जन्म नहीं होता है। और पुनर्जन्म नहीं होता है तो जीव हत्या करना कोई पाप नहीं है। फिर उनको यह समझा दिया गया है कि आप जब पुनर्जन्म मानते नहीं है तो पूरी प्रकृति में जो भी कुछ है वो इसी जन्म के लिए है, तो खाओ मौज करो, भोग करो, खाओ पियो मौज करो। वो फिलोसफी आई, तो खाओ पियो मौज करने में अगर प्रकृति का नाश होता है तो कर लो, बाद में बैलेंस कर लेंगे उसको, पहले नाश कर लो। तो उन्होंने जितनी भी टेक्नोलॉजी बनाई और जो भी साइंस विकसित किया वो सब प्रकृति के नाश पर आधारित। हमने जो कुछ बनाया साइंस और टेक्नोलॉजी में वो प्रकृति के सहयोग से और प्रकृति के संरक्षण पर आधारित है। हम जब पुनर्जन्म में गए तो फिलोसफी कहां तक गई? फिलोसफी गई ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा हृदय कस्य सिद्धम। जो कुछ भी इस चराचर जगत में है वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, औरों के लिए भी, और तुम्हारा उस पर अधिकार उतना ही है जितना तुम्हारे लिए है। सब कुछ तुम्हारा नहीं है, आने वाली पीढ़ी के लिए है, इसलिए त्याग पूर्वक भोग करो और पड़ोसी के लालच में मत फंसो, मां हृदय कस्य सिद्धम। तो हमने बना दिया उसको। और यही फिलॉसफी अलग अलग शब्दों में, अलग अलग मुहावरों में, अनेक अनेक संप्रदायों में आई, मूल वो ये है। इसलिए हमको दिल में चोट होती है और गांधी जी को भी चोट होती है कि गाय का कत्ल क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं कभी गाय बन गया तो मेरा भी होगा। भैंस का कत्ल क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं कभी भैंस बन गया तो मेरा भी होगा। और जब आप इस फिलॉसफी में आगे जाते हैं तो टेक्नोलॉजी कैसी होगी? टेक्नोलॉजी आप वही लाएंगे जो इसको संरक्षित रखे, जो भी इसको डिस्टर्ब करे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आपके काम की नहीं होगी। तो हमने टेक्नोलॉजी कैसी बनाई? बैलगाड़ी का पहिया बनाया, हवाई जहाज का नहीं, क्योंकि बैलगाड़ी का पहिया धीरे 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 रोटेट करता है और धीरे चलने वाली चीज जमीन पर प्रेशर कम डालती है, उससे जीवों की हत्या कम होती है, इसलिए बैलगाड़ी का पहिया बनाया। इसलिए नहीं कि हम पिछड़े हुए हैं। पहिया हमने जब बना लिया तो हवाई जहाज का भी बना सकते थे, पहिया पहिया होता है, लेकिन हमने समझ बूझ कर बैलगाड़ी को चुना है क्योंकि इसमें न्यूनतम जीव हत्या होती है। हम किसी से पिछड़े हुए नहीं है, बहुत सोच समझ कर हमने बैलगाड़ी को ऑप्शन में लिया है। दूसरी तरफ यूरोप वाले हैं, अमेरिका वाले हैं, उनकी समझ यही है कि जो करना है इस जीवन में करना है, बाद में जीवन नहीं है, तो हर चीज तेज करनी है, तो स्पीड के साथ करनी है, हवाई जहाज का पहिया बनानी है। अब हम कहां फंस गए हैं? उन्होंने जी हवाई जहाज का पहिया बना लिया इसलिए वो फॉरवर्ड है, हमने बैलगाड़ी का पहिया बना लिया हम बैकवर्ड है। ये सबसे बड़ा हमारे मन में बैठा हुआ दुष्चक्र। दुनिया में कोई फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं होता है, अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से चीजें तय होती हैं। हम जब ये कहते हैं ना अमेरिका वाले फॉरवर्ड हैं हम बैकवर्ड हैं, तो हम कभी भूल जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका में एक दुर्घटना हुई, उनके यहां भी सुनामी आ गया, कैटरीना उसका नाम, और थोड़े दिन पहले आया रीटा, दो पानी के बड़े जलजले आए उनके यहां। कैटरीना ने अमेरिका के 3 राज्यों का सफाया कर दिया, वो आपने सबने सुना है। 3 राज्यों का सफाया हुआ, लाखों लोग बर्बाद हुए, घर टूट गए, सब कुछ होगा, सड़क पे आ गए। फिर आपने ये भी सुना होगा 5 दिन तक सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं करते। हमारे यहां हो जाए तो उस पर गाना गाने लगे। अमेरिका की सरकार ने 5 दिन तक लाखों लोगों की खबर सुध क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो ब्लैक्स थे, काले लोग हैं। जिन राज्यों में ये कैटरीना आया वहां की मेजोरिटी पॉपुलेशन ब्लैक है, तो जॉर्ज बुश को उनकी कोई चिंता नहीं है। क्यों? प्रश्न ही नहीं है पुनर्जन्म का, चिंता क्यों होनी चाहिए? जिनके यहां पुनर्जन्म का प्रश्न होगा ना, उनको चिंता होगी कि अगली बार ब्लैक होकर पैदा हो गए तो हमारे साथ भी कोई ये करेगा। जॉर्ज बुश को चिंता ही नहीं है कि अगले साल ब्लैक भी हो सकते,
वो कहता है ये आखिरी जीवन है, जो करना है इसी में करना है, उसको चिंता नहीं है। सारी दुनिया के अखबारों में लेख लिखे गए और कहा गया कि अमरीका अपने को बहुत बड़ा पीस मार्खा कहता है और जनहित का रक्षक कहता है, लेकिन अपनी जनता के साथ अमरीका का राष्ट्रपति क्या कर रहा है? 5 दिन तक ना पुलिस भेजी, ना सेना भेजी, ना कुछ भेजा, ना सामान भेजा, लोग बेचारे ठिठुरते रहे, सड़क पे मरते रहे। और जानते हैं आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि जिन लोगों को भूकंप ने या तूफान ने प्रभावित किया है, उन सब लोगों ने एक दूसरों को जमकर लूटा, एक दूसरे की माताओं बेटियों के साथ जमकर बलात्कार किए, एक दूसरे की जेबें काटी, एक दूसरे के घरों में घुस के सामान लेके आ गए। भयंकर लूटमार अमेरिका में चलती रही 7 दिन तक। फिर जॉर्ज बुश को समझ में आया कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, तब उसने आर्मी भेजी वहां, लेकिन आर्मी भी उसको कंट्रोल करने में 3 दिन और लग गया, माने 10 दिन तक अमेरिका में जमकर तांडव हुआ और जल जले से प्रभावित लोगों ने एक दूसरों को मारा, एक दूसरे को लूटा, एक दूसरे के साथ बलात्कार किए, घरों में आग लगाई, सब कुछ हुआ। ये है सभ्यता। अभी भारत की बात करता हूं। भारत में भी सुनामी आया था और हमारे भी 3 राज्य उससे बुरी तरह से प्रभावित हुए थे, और सुनामी के बाद हमारे मुंबई में तो पूर आ गया, बाढ़ आ गई, और मुंबई के आजू बाजू के करीब 450-450 गांव बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। इन दोनों ही दुर्घटनाओं में मैंने काम किया था सेवा के रूप में, और हर जगह मैंने देखा कि भारत में जहां ये भयंकर आपत्ति आई है, वहां एक भी भारतवासी ने दूसरे को नहीं लूटा, किसी भी भारतवासी ने किसी की बहन के साथ बलात्कार नहीं किया, किसी भी भारतवासी ने किसी मां के साथ बदतमीजी नहीं की, सबने एक दूसरे को मदद किया। ये है सभ्यता। क्यों? पुनर्जन्म होता है। हाँ, सारे देश वाले इकट्ठे होके पहुंच गए कि भाई इनकी मदद करो, मदद करो। आप में से भी कुछ गए होंगे, क्यों? क्या मालूम अगले जन्म में हमारे साथ ऐसा हो जाते। ये जो पुनर्जन्म है ना, ये बहुत कुछ कराता है। अगर हम पुनर्जन्म से नहीं बंधे हों तो हम भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसे अमरीका में। तो पुनर्जन्म की ये फिलॉसफी है जिसने हमको बांधा है एक सांचे में, हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसी हमारी फिलॉसफी है, और साइंस और टेक्नोलॉजी को वैसे ही आगे बढ़ाते हैं जैसी हमारी फिलॉसफी है।